एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। आंवली नवमी के अवसर पर मिशन ग्रीन दमोह के द्वारा निशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मालूम हो कि यह नौवां वर्ष है जब मिशन ग्रीन दमोह के द्वारा इस तरह से निशुल्क पौधों का वितरण किया गया है। मालूम हो कि मिशन ग्रीन दमोह के द्वारा दमोह को हरा भरा करने के लिए संकल्पित होकर लगातार इस तरह का कार्य किया जाता है। बीते 9 वर्षों से लगातार यह कार्य जारी है। टीम के प्रमुख सिद्धार्थ मलिया की प्रेरणा से यह कार्य लगातार टीम के माध्यम से किया जा रहा है। इस बार भी आंवली नवमी के अवसर पर जटाशंकर धाम में मिशन ग्रीन दमोह की पूरी टीम के द्वारा पौधे का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को यह संदेश भी दिया गया कि वे अपने घर जाकर इस पौधे का रोपण करें, उसकी देखभाल करें और दमोह को हरा भरा करने के लिए संकल्पित हों। यहाँ पर मौजूद पूरी टीम के लोगों के द्वारा यहाँ पर आने वाले भक्तों को निःशुल्क पौधों का वितरण किया गया और दमोह को हरा भरा करने का संकल्प भी दिलाया गया। इस संबंध में मिशन ग्रीन दमोह टीम्स के हमने चर्चा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। ये बच्चों को नहीं मिला, बच्चों को नहीं किए जा रहे हैं सभी को निर्वासियों को मौली मिलने की बच्चों को नहीं मिला आपके लिए आ जाए बच्चों को नहीं मिला। हमारे मिशन ग्रीन के संस्थापक हमारे आदरणीय नेता सदन सिंह सिद्धार्थ मलैया के नेतृत्व में असल मिशन ग्रीन में सभी पौधे बांटे जाते हैं। इस आंवली नवमी के पर्व में मिशन ग्रीन की टीम आदरणीय ममता भारती जी के नेतृत्व में अमित तिवारी जी, संजय यादव जी, मयंक वाघवा जी, नीलेश सिंगई जी, संतू लाल जी, अमरदीप लालू जी और समस्त हमारे युवा साथी आज जगतशंकर धाम में निःशुल्क पौधा वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये हमारे इसकी प्रेरणा हमारे नेता आदरणीय सिद्धार्थ मलैया जी द्वारा दी। माननीय श्री सिद्धार्थ मलैया जी के प्रेरणा जो हमें मिली है मिशन ग्रीन दमोह के तहत इसी आंवला नवमी के उपलक्ष्य में हम ये पौधा वितरण कर लगातार ये कार्य चल रहा है। किस तरह की प्रेरणा लोगों को भी देना चाहेंगी पौधा वितरण के माध्यम से? हाँ, पौधे लगाएंगे तो अपना वातावरण शुद्ध होगा और बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे हैं कितने मॉडर्नाइजेशन के उसमें मतलब कितने पेड़ कट रहे हैं। बहुत ज़रूरी है अपने वातावरण को शुद्ध रखने, नेचर को सुरक्षित रखने। जैसा कि आप सभी को पता है आदरणीय सिद्धार्थ मलैया जी के द्वारा ये मिशन ग्रीन दमोह 2016 में चलाया गया था। ये नौवां वर्ष हम लोगों का और हम लोग हमेशा निःशुल्क वितरण जो पौधा करते हैं चालू बरसात में जुलाई से चालू करते हैं और हमेशा की तरह जो आंवली नवमी होती है ये जटाशंकर में कार्यक्रम करके हम लोग इस कार्यक्रम का समापन करते हैं अगले वर्ष तक के लिए। तो आज ये कार्यक्रम हो रहा है आंवली नवमी के अवसर पर
मैं सभी माताओं बहनों को इस पुनीत पर्व की बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ और उनसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ, ये जो निःशुल्क पौधे हमारे सिद्धार्थ भैया के द्वारा जो दिए गए हैं घर पे, इनको लगाएं, एक नए संस्कार को जन्म दें जिससे दमोह का पर्यावरण साफ स्वच्छ हो, शुद्ध हो, हमारी हवा ताजी हो। इस प्रकार का निवेदन हम सभी से लोग यहाँ से कर भी रहे हैं।